विंटर हो चुके हैं व्यूअर, हल्की हल्की बारिश के साथ। और ये है मस्जिद जहां पर हमने जुमा की नमाज अदा करनी है। और यहां से अभी आगे पीछे देख कर जो है ना उल्टे हाथ टर्न लेकर सीधा जो है ना चले जाते हैं उस जगह पर। ये यहाँ पर मस्जिद है, ठीक है। और यहाँ पर बाइक को भी पार्क करेंगे, सलाम मैंने करना है अभी। बच्चे भी आए होंगे पढ़ रहे होंगे बैठ कर तो उनका सबक सबक सुनते हैं जाकर, तो आपको भी दिखाते हैं रास्ता ना। इसी रास्ते से मैंने कहा चलता हूँ क्योंकि ये रास्ता जो है ना ज़रा शॉर्ट है, इसलिए जो है यहाँ से बंदा जल्दी पहुँच जाता है। अगर वो चुम्मी वाले रास्ते से जाता तो वो काफ़ी लेट पहुँचना। तो यहीं से जो है चलते हैं, यहाँ से भी होना है सीधे हाथ। और यहाँ पर ये मस्जिद है एक, अबू हनीफा नाम है इसका। तो ये गली पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतने ज़्यादा जंप थे, अब ठीक हो गई है। यहाँ से इस साइड भी होना है और यहाँ से फिर जो है इस साइड भी होना है। और ये सामने जो है वो ये रोड आ जाएगा जो कि चुम्मी वाली साइड से मारता तो फिर आना था, यानी कि कस्बा रोड। इसका नाम वैसे कस्बा रोड भी होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था पानी वाला रोड, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पानी बहुत ज़्यादा आता है जब भी बारिश हो। तो ये सामने जो रोड है ना इसके ऊपर अब ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि जल्दी जल्दी पहुँचना है, स्टूडेंट जो है ना वेट कर रहे होंगे इसलिए। व्यूवर जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ से जाकर स्टूडेंट को पढ़ाना है और अभी जो है ना उनको पढ़ाकर फारग हो चुका था, अभी पूरे 3 बज चुके हैं, ठीक है। और उनको छुट्टी देने लगे थे तो वो यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं जो है ना इधर आ जाए साइड पे बाहर आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना इनको मैंने कहा खड़ा करके ना थोड़ी सी जो है वीडियो बना लेते हैं और आपको जो है बता देते हैं कि स्टूडेंट तीनों पढ़ने के लिए आए थे। तो अभी जो है ना इनको छुट्टी देनी है, ये जाने लगे हैं और मैं जो है ना अभी इधर ही हूँ। मैं तकरीबन जो है ना थोड़ी देर तक जाऊंगा वापस घर। तो यहाँ पर आप सबको एक दफ़ा यहाँ पर कहते हैं जुमा मुबारक, एक दफ़ा आप सारे भी कह दें ऊंची आवाज़ से जुमा मुबारक, आप सबको जुमा मुबारक इस तरह के आप सबको जुमा मुबारक जी। आज स्टूडेंट ने भी आपको जुमा मुबारक कह दिया और मैंने भी कह दिया है, और यहाँ पर आपने खैर मुबारक का भी कमेंट कर देना है, ठीक है। और व्लॉग हमारा इसी तरह जारी रहेगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर अभी यहाँ से रोड को क्रॉस करना है और उस साइड पर जाना है, पेट्रोल जो है ना इसमें डलवाना है इसमें अपनी बाइक में। तो परसों तकरीबन डलवाया था मैंने वो वहाँ से 170 का, और यहाँ से जो है ना अभी तकरीबन 300 का डलवाते हैं। अलगनी पे जाना था लेकिन जो है ना अभी असर की नमाज़ पढ़ा चुका हूँ और टाइम जो है ना इस वक्त इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने एक और जगह पर जाना है। तो वो कहाँ जाता हूँ मैं वो भी आप वीडियो में देख सकेंगे, और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और लाइक कमेंट वगैरह ज़रूर करिएगा। और बहुत ही खूबसूरत एक जगह लाला मूसा की, वो आज जो है ना आपको दिखाएंगे। और यहाँ से जो है ना पेट्रोल वगैरह डलवा लिया और अभी जो है ना यहाँ से निकलने लगे हैं, जाना किधर है ये चुंगी वाली साइड से जो है ना मैं जाऊँगा। और चुंगी वाली साइड से नहीं बल्कि वो आगे जो रास्ता है ना वहाँ से जाऊँगा, मैंने जाना है वहाँ पर जो कि मल्ला वाली साइड पर ना वो जो अपने मिस्त्री साहब है ना उनके घर जाना है। ये सदस रोड है लाला मूसा का, काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर जो है वीडियो बनाने लगा मैं। जुम्मा है ना इसलिए आज
मुझे रश जो है ना ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये गाड़ी जो है शादी वाली जो गाड़ी होती है उनका रश जो ज़्यादा होता है जुम्मा के दिन। सूरज देखें आगे, बादल आ गए, मौसम जो है ना बहुत अच्छा बन गया, अभी हल्की हल्की जो है ना हवा भी चल रही है। रोड के साथ देख रहे हैं कितने कितने बड़े ये जो पौधे लगे हुए हैं ना, ये बारिशें जो हुई हैं ना इनकी वजह से ये ज़्यादा हो गई। पहले ये पौधे जो होते हैं ना ये काट देते हैं। अब ये सामने फूल आ गया, ठीक है, मैंने तो उसके ऊपर नहीं जाना, सीधे जाना आगे। तो यहाँ से समोसे लेने हैं, पता नहीं आज मिलते हैं कि नहीं, जुमा भी है तो अगर मिल गए तो वो ले जाएंगे, अगर ना मिले तो फिर देखेंगे क्या करना है। फिलहाल यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं, तो मिलते हैं आगे उस शॉप पर, अगर समोसे मिले तो वहाँ पर जो है ना वीडियो बनाएंगे। फाइनली व्यूअर यहाँ पर जो है ना फोन आए हैं, सलाम दुआ हमने कर ली है, तो इसलिए वीडियो में जो है ना सलाम दुआ नहीं कर रहे, इस यहीं से शुरू कर रहे हैं वीडियो। तो ये थोड़े से समोसे लेने हैं और वहाँ पर जाना है, जो कि बता रहा हूँ मैं आपको जिस जगह पर। कोई बंदे जुमे वाले दिन समोसे छुट्टी कर दें है ना, जुमे वाले दिन कोई जड़े छुट्टी कर दें। अच्छा अभी यहाँ पर आ गए हूँ ये दूसरे पुल के पास, और यहाँ से जो है ना मैंने ये सीधे हाथ जो है ना टर्न लेना और सीधा जो है ना जाना आगे। ये आप देख सकते हैं ये रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने का, लेकिन मैंने ऊपर नहीं जाना, मैंने जो है ना जाना है इस साइड पे। आज आपसे इस वीडियो में जो है ना मैं एक बहुत बड़ी बात भी करने वाला हूँ, तो वो ज़रूर सुनिएगा। और उसके ऊपर अमल भी करिएगा, ठीक है। खाली सुनने का फ़ायदा नहीं है, अमल भी करिएगा उसके ऊपर। ये जनाब मदरसे से आ रहे हैं लड़के, ये आप देख सकते हैं कि ये लाला मूसा की जो है ना बहुत बड़ी जामिया मस्जिद है, इसका नाम है ईदगाह मस्जिद। दरवाज़ा मैं आपको नहीं दिखा सका, मेन गेट जो था यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, गेट के आगे जो है ना कोई पद्दा खड़ा था, इसलिए नहीं दिखा सका। और यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा है, शायद इधर से ना रास्ता हो दूसरी साइड से रास्ता हो, चलें देखते हैं। ये गाड़ियाँ देखिए जनाब, ये देखें, यहाँ से मैं अब किधर जाऊँगा, देखते हैं कुछ आग लाते हैं, वीडियो को रोकते हैं यहाँ पर। फाइनली व्यूअर यहाँ पर जो है पहुँच आए हैं, ठीक है, सलाम दुआ कर लिया हमने, और ये रह गई इससे सलाम दुआ करते हैं। इधर आओ पूरे, सलाम लो सलाम लो सलाम लो सलाम लो, नहीं वो कह दिया नहीं लेना। तो यहाँ पर ये कुछ हैं बर्ड्स इन्होंने रखे हुए, तो जो है ना वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक, कुछ जो है ना आगे बैठे हुए हैं इस साइड पे। और जिस तरह के आपको मैंने पहले बताया था कि
एक फ़ोन जो है ना हम वो लेकर आए हैं कोटला ककराली से, वो ये फ़ोन है ठीक है, रेडमी का ठीक है। इसके ऊपर जो है ना अकाउंट वगैरह बन गया और अब जो है ना ये मेरा चैनल ओपन है और यहाँ पर ये वीडियो लगी हुई है, ये मेरी नात वाली ठीक है। ये जो है सबसे पहली जो वीडियो है ना मेरी वो ये वीडियो है ठीक है। जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो यहाँ से वीडियोज़ देखनी शुरू करें ठीक है, और ऊपर जो है ना आप देखते रहिएगा फिर। तो अभी फ़िलहाल इसको चलने देते हैं इस वीडियो को, और आपको जो है ना मैं ये पहले दिखा दूँ, ये जो जाल है ये उधर पड़ा हुआ था हमारे घर, तो वहाँ से जो है ना थोड़ा सा इसकी जो है कटाई करके तो यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इसको अब जो है ना इन्होंने रखना है, पता नहीं किधर रखना है, यहाँ पर छत पर रखते हैं यहाँ कहीं और रखते हैं वो मुझे नहीं पता। तो चलें वो भी जब रख लिया तो वो भी आपको बता देंगे। फिलहाल जो है ना यहाँ से चलते हैं ऊपर और ये जो है ना आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं, जिनकी आवाज़ें आ रही हैं आपको, यहाँ पर इसको खोल लेते हैं ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे ना, आप ये देखें, ये इनकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थे, तो अब जो है ना थोड़े से ये इतने थोड़े भी नहीं हैं कि कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी है, बाकी ये कुछ सामने है ठीक है। असल में गर्मी हो गई है ना, जब गर्मी हो जाए ना तो मैंने यहाँ पर छत के ऊपर आया हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पर जो है ना वो बात आपसे कर लेते हैं ठीक है, जो कि मैंने पीछे आपको कह रहा था वहाँ से बाइक के ऊपर आते हुए, कि आप सब जानते हैं मेरी वीडियोस देखने वाले कि मैंने कभी भी थंबनेल जो है वीडियो के ऊपर जो लगा होता है ना, वो कभी मैंने इसके ऊपर झूठा लगाया है। झूठा मतलब कि साथ में किसी बड़े यूट्यूबर्स की पिक्चर लगा दूँ ठीक है, जी आज फला यूट्यूबर से हमारी मुलाकात हुई ठीक है। तो बीच में आप जब जाएं वीडियो के तो ऐसी कोई बात ही ना हो, तो व्यूज़ तो उसके ऊपर हज़ारों में आ जाएंगे, क्योंकि बार बार लोग क्लिक करेंगे यार हाफिज़ साहब की किससे मुलाकात हुई है, किन से मुलाकात हुई है, कैसे मुलाकात हुई है, और किस जगह पर हाफिज़ साहब गए हैं और किस तरह गए हैं, इस तरह देखने के लिए वो बार बार लोग क्लिक करेंगे ठीक है, मुझे देखकर नहीं, वो पिक्चर जो लगी हुई है ना दूसरे यूट्यूबर्स की, बड़ी बड़े यूट्यूबर की, वो देखकर। तो ये ट्रिक समझे के पता है मुझे, लेकिन ये फेक है ठीक है, झूठ है। तो झूठ जो है वो नहीं बोलना चाहिए और ना ही लोगों को दिखाना चाहिए। तो इस तरह की मैंने अपने चैनल के ऊपर कभी भी बात नहीं की। तो अगर मैंने इस तरह की कभी भी कोई इस तरह की बात अगर मैंने यूट्यूब के ऊपर नहीं की ठीक है, तो यार आप वीडियोज़ देखते हैं तो उसको फिर पूरा क्यों नहीं देखते। तो आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मुझे ये बता दें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किस लिए किया हुआ है, सिर्फ बरकत के लिए किया हुआ है कि जी हाफिज़ साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फ़ोन में जो है ना थोड़ी सी बरकत हो जाएगी, थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह कुछ भी नहीं होना, कोई बरकत शरकत नहीं होनी, कोई आपका बैलेंस जो है नहीं आ जाना, ना ही कोई अकाउंट में कोई चीज़ इस तरह की आ जाएगी सब्सक्राइब हाल ही करने से। तो हाल ही सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है, अगर आपने कर ही लिया सब्सक्राइब तो डेली जो है ना आप वीडियोस देखा करें ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉच टाइम के हवाले से अगर बात करूँ ना मैं, तो ये पिछले जो महीना गुजरा है इस महीने में जो नॉन सब्सक्राइबर है ना, जिन्होंने मुझे नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, उन्होंने मुझे वॉच टाइम ज़्यादा दिए ठीक है, सब्सक्राइबर की बनिस्बत सब्सक्राइबर ने इतना मुझे वॉच टाइम नहीं दिया मेरे चैनल को। और जो नॉन सब्सक्राइबर है, जो वैसे ही जिनके सामने वीडियो मेरी चली जाती है या मैं व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देता हूँ, उन्होंने जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वॉच टाइम दिया है। तो बराए मेहरबानी अगर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो आप वीडियो को भी मुकम्मल देखा करें, जो भी वीडियो आती है चाहे सुबह आती है ठीक है, फिर जब भी आपके पास टाइम हो जैसे भी हो ठीक है, उसको क्लिक करें ठीक है और मुकम्मल देखें। एक दफ़ा एक ही बार में आप मुकम्मल नहीं देख सकते, तो थोड़ा बहुत आप देख लें, तो उसके बाद फिर जैसे टाइम मिले आपको उस वक्त दोबारा ऑन करेंगे तो वो वहीं से शुरू होगी, ऐसा कोई मसला नहीं होता कि वो वहाँ से ना शुरू हो। तो बस यही आपसे जो है ना इत्तिमास करनी थी, रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, ये तो नहीं मैं कहता आप कि ये तो अच्छी बात भी नहीं होगी कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखनी तो चैनल को छोड़ के चले जाएं या इस तरह करें, तो ये तो नहीं ना कह सकता मैं, क्योंकि अच्छी बात भी नहीं है। तो सब्सक्राइबर हमारे माशाल्लाह से तकरीबन 1000 से जो है ना ऊपर हो चुके हैं, तकरीबन 1100
जो है ना 1100 तकरीबन 1100 से भी ज़्यादा ही है, ठीक है, कुछ ऊपर है। तो बस रिक्वेस्ट ये है आपसे कि 1100 हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हर वीडियो के ऊपर कम से कम 1000 तो व्यूज़ आने चाहिए ना, मस्ट होने चाहिए ना यार। इस तरह तो नहीं ना होने चाहिए कि एक जो वीडियो हमने अपलोड की है उसके ऊपर तकरीबन 2 दिन बाद देखते हैं तो सिर्फ 50 या 100 या इस तरह जो है ना व्यूज़ आए हुए हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करनी थी अभी यहाँ पर जो है ना मैंने कि तवज्जो करें चैनल के ऊपर, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियोस को भी मुकम्मल देखें, ठीक है। तो अभी चलते हैं आस्ता आस्ता जो है ना घर की तरफ, रवा रवा होते हैं क्योंकि मगरिब की नमाज़ का भी जो है टाइम करीब ही है। तो रास्ते में अगर टाइम हुआ तो वहाँ पर कोई अलाउ हुआ अंदर जाना तो वो एक पार्क है यहाँ पर, उसका भी जो है ना आपको विज़िट कराएंगे। ये मिस्त्री साहब भी आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, सलाम दुआ भी कर रहे हैं क्योंकि ये अभी समझे कि इंटर हुए हैं अपने घर में, तो इसलिए अभी सलाम दुआ कर रहे हैं। और सुनाए ठीक ठाक, किधर गए हुए? अच्छा तो ये जाल जो है इसको कहाँ पर रखना है? ऊपर जी, ये जो है ना इसको इस जगह पे रखेंगे, यहाँ पर ऊपर जहाँ पर गया हुआ था ना मैं, जो पीछे आपका रूम नज़र आ रहा था उसके भी ऊपर रखेंगे। अभी मैंने पूछ लिया तो चले अभी आपको बता दिया। तो अभी जो है ना मैं यहाँ से जाने लगा हूँ क्योंकि रास्ते में रुकना भी है तो फिर आगे मस्जिद भी पहुँचना टाइम पर। अभी जो है ना इस रोड से मैं जाऊँगा वापस, असल में जाना था वहाँ पर जो कि मैं आपको बता रहा था कि पार्क का विजिट कराते हैं आपको। तो यार असल में ना वहाँ पर जो वीडियो में आपने देखा ना बाबा जी नज़र आ रहे थे वो भी मेरे साथ आ गए हैं। वो कहते हैं मुझे अल मदीना मेडिकल स्टोर के ऊपर जो है ना उतार दो, तो उनको मैं उतारने चला गया हूँ। इस वजह से जो है ना अगर मैं उस साइड पे जाता दोबारा फिर तो मैंने हो जाना था लेट। तो मैंने ये क्या कि आप इस रोड से ऊपर जो है ना दौड़ लगाते हैं और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं मस्जिद, और यहाँ से अभी समझे कि मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगने वाले हैं और मैं पहुँच जाऊँगा अपनी बस। आज फ्राइडे है, संडे को सिर्फ छुट्टी होती है। The next day. वेलकम बैक नेक्स्ट डे, यहाँ पर आपको एक दफ़ा अपनी वीडियो में दोबारा से वेलकम कहते हैं। और अभी जो है ना मैं यहाँ पर बैठ कर ना इस जगह पर बैठ कर पढ़ रहा था कुरान पाक, वो लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाया हुआ है। तो आज जो है ना मैंने ये नियत की है कि पहले तो रोज़ाना जो है फजर की नमाज से पहले, ठीक है, अज़ान देने के बाद सुन्नत पढ़ने के बाद वहीं पर मस्जिद में बैठकर जो है ना मैं एक सिपारा पढ़ता हूँ, ठीक है, नमाज से पहले। तो आज मेरा दिल था कि मस्जिद में जो ना नहीं पढ़ता, घर जा कर जो है ना अपने कमरे में बैठकर जो है ना पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर ये नियत की है कि रोज़ाना तो एक सिपारा पढ़ता हूँ तो 25 आज हो जाने थे अगर एक पढ़ता, तो एक तो मैंने पढ़ लिया है तो आगे 26वां पारा जो है ना उसका भी मैंने तकरीबन जो है ना एक पाव पढ़ लिया है। तो नियत मैंने ये की है कि आज जो आगे ये 4 पारे रह गई हैं ना इन चारों को आज के दिन में जो है ना मुकम्मल करना है और कुरान पाक को मुकम्मल करना है आज के दिन में। इंशाल्लाह देखेंगे टाइम और
ज़ोहर की नमाज से पहले और उसके बाद असर की नमाज से पहले उधर से अगर जल्दी आ गया तो, या वहीं पर बैठकर मोबाइल से देखकर पढ़ लेंगे। इस तरह करके ना मैंने आगे पीछे टाइम देख कर ना कोई करके, तो इंशाल्लाह जो है ना आज के दिन में ये कुरान पाक जो है ना मुकम्मल करना, चारों पारे आज पढ़ देने इंशाल्लाह। तो आप जब आप सब भाइयों के आगे भी यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें आप भी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक करें, और तमाम अपने अज़ीज़ो अरबाज के लिए दुआएं करें, हमारे लिए भी जो दुआ करें। तो अभी जो है ना 5:30 हो गए हैं, ठीक है 5:30, तो अभी नाश्ता वगैरह करती हैं, तो उसके बाद जो है ना वीडियो का एंड करती हैं। डे में आपको वेलकम पहले कह चुका हूँ और आपको कहा था कि नाश्ता करना है, और उस वक्त तो नाश्ता कर लिया मैंने, वीडियो वगैरह कोई नहीं बनाई उस वक्त की अभी तक, और अभी मैंने कहा चले यहाँ पर जो है ना खड़े होकर अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं, और वीडियो के अंदर जो जो मैंने बातें की हैं उनके ऊपर सारे जो है ज़रूर अमल करिएगा, ठीक है, जो कर सकते हैं, ठीक है, जो नहीं कर सकते उनको तो मैं अब ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता। तो अभी जो है ना जो पीछे आपने देखा कि वो लाला मूसा की तरफ, लाला मूसा से जो है ना मैं इधर आ रहा था मस्जिद की तरफ मगरिब की नमाज के टाइम, तो रास्ते में वो वीडियो की स्पीड जो है ना मैं थोड़ी तेज़ कर दी है, वो असल में इसलिए तेज़ कर दी है कि वो जो है ना ख़ुद भी उस वक्त तकरीबन मेरी स्पीड पहले जो वीडियो बनाता हूँ ना उससे थोड़ी तेज़ थी, तो इसलिए वहाँ पर जो मेरी आवाज़ है ना ये वीडियो में आवाज़ जो है वो बिल्कुल सही नहीं थी आ रही। तो जब आगे आकर स्पीड कम होती है तो वहाँ पर जो है ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक आनी शुरू हुई है, तो फिर वहाँ पर जो है मैंने वो स्पीड को जो है ना फिर नॉर्मल कर दिया जो कि पहले थी, तो इसलिए जो है ना वहाँ पर उसको जल्दी जल्दी मैंने कहा चले यहाँ पर आते हैं। तो इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई थी, फ़ोन इतनी देर ऐसे पकड़ी रखा है, तो मैंने कहा चले अब उसको म्यूट क्या करना है, उसको वहीं पर जो है रहने देते हैं और स्पीड जो है उसकी तेज़ कर देते हैं, और बाद में आपको बता देंगे कि इसकी स्पीड जो है इस तरह क्यों की है। तो वीडियो जो मुकम्मल देखेंगे उन्हीं को पता लगेगा कि यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है। अगर स्किप करके जल्दी जल्दी आगे काट देंगे तो उनको तो कुछ ना पता चलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी वीडियो देखें उसको मुकम्मल देखें। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लें कि हर आने वाली जो वीडियो हो आप तक रेगुलर पहुँचती रहे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।